अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, नई रेसिपी के साथ हाजिर। और जनाब, आज हम आपके लिए बहुत ही स्पेशल मार्मलेट लेके हाजिर हुए हैं, जो कि हमने कमकॉट फल से बनाया है। ये फल जो है, ये लेमन और ऑरेंज की ही नस्ल में से ये जाने जाते हैं, और इनका छिलका मीठा और इनका गूदा बहुत ही खट्टा होता है। और ये बहुत ही छोटे प्लांट पे उगते हैं, और ख़ुद भी ये बहुत छोटे छोटे मुन्ने मुन्ने से हैं। तो हमारे जो घर में ये पौधा लगा हुआ था, तो हमने सोचा कि इनके साथ आपको मार्मलेट बनाना दिखाएं। और ये देखिए, इनके ऊपर और फूल आ रहे हैं, और ये कुछ ग्रीन हैं जो बाद में पक जाएंगे, तो ये बहुत खूबसूरत लगते हैं। तो हमें जिस कदर दरकार थे, हमने उतने तोड़े हैं, और इनको साफ़ पानी में, ठंडे पानी में डिप किया है, और इसको अच्छे से धो के साफ़ कर लेते हैं, और पानी जो है उसको निकाल देते हैं। इनमें हम जो चीज़ें डालेंगे, उनमें थोड़ा सा ऑरेंज जूस है, और साथ ही साथ लेमन जूस है। आप चाहें तो इसमें टैटरी भी शामिल कर सकते हैं लेमन जूस के बजाय। चुटकी भर नमक है और एक स्टार है। इसके अलावा लेमन ही के कुछ छिलके हमने कश करके रखे हैं, और साथ ही साथ चीनी इसमें शामिल करेंगे। और सबसे पहले हमने इनको काट के अच्छे से साफ़ सुथरा करके इनके बीज निकाल देने हैं। बहुत छोटे से हैं, हैंडल थोड़े मुश्किल से होते हैं, लेकिन बहुत ही मज़ेदार जैम बनता है, मार्मलेट बनता है। इसलिए ये देखिए, इनको हम ना छोटे छोटे, बिल्कुल छोटे छोटे पीसीस में काटेंगे, और इसके अंदर ये जो वाइट हिस्सा है इसको हम निकाल देंगे, और साथ ही साथ इसके बीज भी। तो इनको निकालने के बाद, साफ़ करने के बाद, इनको हम छोटे छोटे पीसीस में काट के तैयार कर लेंगे। तो छिलके हमने एज इट इज़ रहने देने हैं, उनको हमने ज़ाया नहीं करना। तो ये देखिए, ये इसको भी हमने कर दिया, और ये देखिए हाथ में नहीं आ रहा, उछल उछल के ये परे जा रहा है, क्योंकि ये बहुत ही मुन्ना सा है, छोटा सा है। तो इनको सबको काट के हमने तैयार कर लेना है, और एक प्याले में डालेंगे, और जितना साइज़ प्याले में इनका आएगा, जितनी मकदार में होगा, उतनी ही चीनी जो है वो हम इसके अंदर शामिल करेंगे, ज़्यादा नहीं। चूँकि ये खट्टे ज़्यादा हैं, इसलिए चीनी हम इसके बराबर मकदार में शामिल कर रहे हैं। तो अब इनको हमने तैयार कर लिया है, और ये देखिए, ये जितनी ज़्यादा ये प्याले में आए हैं, उतनी ही हमने चीनी डालनी है। अब इनको हम शामिल करते हैं एक पैन में, और पैन में डालने के बाद इसके अंदर जो चीज़ें हमने आपको दिखाई थी, वो सब की सब इसमें शामिल कर देंगे। जैसे ऑरेंज जूस डाल दिया है, और इसके अंदर हमने चीनी जो है हमने उतनी ही ली है जितने ये फल है। तो अगर आप इसको माल्टे का बनाना चाहें, तो आप बिल्कुल इसी तरह आप माल्टे का भी बना सकते हैं। और यहाँ पे हमने बाकी चीज़ें भी जो हैं उनको भी शामिल कर रहे हैं। नमक भी डाल दिया है, स्टार भी डाल दिया है, लेमन भी डाल दिया है, और अब हमने इसके अंदर इसको मिक्स करना है। और मिक्स करने के बाद हमने इसको ढक के हल्की आंच पे इतनी देर पकाना है कि ये बिल्कुल ड्राई हो जाए। और ये देखिए, और बाद में ये जो स्टार हमने डाला है इसको निकाल दीजिएगा। तो ये उबाल आ चुका है, और अब इसको ढक के हम पकाएंगे। तो चलिए, अब इसका इंतज़ार करते हैं कि ये पक के तैयार हो जाए, तो हम बाद का आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये ड्राई हो चुका है मुकम्मल तौर पे, लेकिन अभी इसको हमने और थिक करना है और पकाना है। थोड़ी देर और पकाएंगे तो ये इसकी शक्ल जो है वो ऐसी आ जाएगी, ये देखिए। और इस तरह से हमने इसको पकाते हुए इसको थोड़ा सा और टाइम देना है। तो अब इस टाइम पे आके हमने जो चूल्हा है उसको बंद कर दिया है, और इसका जो चम्मच है वो मुस्तकिल हिलाते रहेंगे, ताकि ये नीचे लगने ना पाए और जले नहीं, क्योंकि इसके अंदर चीनी है तो ये फौरी तौर पे जलने का ख़तरा होता है। तो आप इसको हिलाते जाइए, और इसको मुकम्मल ठंडा होने दीजिए। अब हमने मार्मलेट को बोतल में डालना है,
तो हमने बोतल को बहुत अच्छे से धो के साफ करके और मुकम्मल तौर पे ड्राई कर दिया है। और ये भी ठंडा हो चुका है, अब इसको हम बोतल में डाल देते हैं। आप इसको जब भी बनाएं और जिस बर्तन में भी आपने इसको सेव करना हो, आप उसको बहुत अच्छे से खुश कीजिएगा, क्योंकि अगर इसमें ज़रा सा भी कोई पानी रह गया तो ये ख़राब हो सकता है। और अगर आपने इसको ज़्यादा दिनों के लिए रखना है तो आप इसको फ्रिज में रख सकते हैं, और कुछ दिनों के लिए अगर आपने थोड़ा बनाया है तो ये बाहर भी ठीक रह सकता है। तो हमने आपको दिखाया कि ये कैसा बना है। अब आपको इसको ब्रेड पे भी लगा के दिखा देते हैं, तो आधी ब्रेड पे लगा के आपको दिखाते हैं कि ये कैसा बना है। और ये देखिए, आपको हम बहुत ही मज़ेदार ऑमलेट बनता है, इसको ज़रूर बनाइएगा। और अपने खूबसूरत फीडबैक देना तो मुझे बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपके फीडबैक जब मैं पढ़ती हूँ, उनके जवाब देती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अगली किसी भी नई रेसिपी तक आप सबसे इजाज़त चाहूँगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह निगेबान हो आप सबका।